जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निसार व्लॉग्स एंड रिव्यूज़ पर। गाइज, आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैं कोई एक्सटर्नल माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और आज मैं हूँ भिंडी बाज़ार में, मीनारा मस्जिद के पास, और ये है खाओ गली, बहुत फेमस है। और चूँकि रमज़ान का महीना है तो काफ़ी भीड़ होती है इधर, काफ़ी भीड़ होती है, और कई सारे लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं, खाने के लिए आते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी लोग। और ये गोप्रो का मेरा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट व्लॉग। आप लोगों को बताता हूँ मैं कितनी गर्दी होती है इधर। चलिए भाई, चलते रहो। ये देखिए, पूरा खाना ही खाना है पूरा। अगर खाने का कोई शौकीन है तो उसको चाहिए कि इधर आए। और मेरे सामने है आइकॉनिक मीनारा मस्जिद, आप देख सकते हैं। लोगों की गर्दी देखिए कितनी सारी है। थोड़ा सा मैं आपको, कई सारे नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं इधर खाने के लिए, जो खाने के शौकीन होते हैं। मावा लबली जलेबी सर, ब्रांड का स्पेशल डिश है भाई, एक रुपए का 100 का एक पीस है भाई। आइए सर, वेलकम। ये है मावा लबली जलेबी सर। मीनारा मस्जिद के पास आते हैं उनको यहाँ ट्राई करना चाहिए जलेबी। कौन सी? सर रानपुर जलेबी सेंटर, जलेबी सेंटर है रानपुर मावा जलेबी। ये देखिए, ये बनी है अभी ताज़ी ताज़ी जलेबी, हिलाते हिलाते। ओहो हो हो, ज़बरदस्त। शवरमा भी है इधर, जूस की दुकान। देखते हैं और क्या क्या है। अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी रश था इधर, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि लोगों की भीड़ देखिए रोज़ा खुलने के बाद। ये है बड़े मियाँ, और ये गाइस मीनारा मस्जिद का एंट्रेंस है। बाबा जी भी है सामने। ये है मीनारा मस्जिद का एंट्रेंस, साफ सफाई चालू है इफ्तार के बाद। टोपियों की दुकान, थोड़ा वो साइड जाते हैं यहाँ पे, जो असल मकसद होता है लोगों का खाने का। देखिए ये बड़े मियाँ, ये अभी अभी लिखा है, ओनली फॉर रमज़ान लिखा है। गाइस, बिंदास मैं इधर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, किसी का डर नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ले लूँ वीडियो? इनके साथ लो, ये भाई के साथ। भाई के साथ कौन से? भाई ने बाल किधर स्ट्रेट करवाया? बाल किधर स्ट्रेट करवाए? यही हमारे सेठ के बेटे, सेठ के बेटे, एक नंबर। ओहो, एक नंबर। कितने का है शोरमा? 40 और 50। अरे क्या इतना शौक कर रहे हो, मतलब रेट बता खा सकता है और अमीर भी खा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और देखते हैं दोस्तों क्या क्या है आप लोगों की खिदमत में। मीनारा मस्जिद के पास से भिंडी बाज़ार। देखिए ये शोरमे की दुकान में काफ़ी गर्दी है। हिंदुस्तान होटल भी है, काफ़ी ब्राइट माहौल। और ये जिस गली में अभी जाने वाला हूँ मैं, काफ़ी गर्दी है इधर। देखते हैं जाने का मौका, थोड़ा धक्के खाते हुए
यार मतलब समझ के चलना पड़ेगा। ला रही फास्ट फूड सेंटर ला रही मतलब कोई शक नहीं। अब ये बताना क्या चाह रहे हैं ला रही? कोई शक नहीं मतलब खाने के टेस्ट में कोई शक नहीं होगा। और इधर तीतर ये देखिए पूरा खाना ही खाना है, 360 डिग्री पे पूरा खाना ही खाना मिलेगा आपको। देखिए ये है जी तवा कॉर्नर दोस्तों। अगर आपको भी आना है यहाँ के मज़े लेना है तो आप लोग भी आ सकते हो, फुल टाइम पास है इधर। मतलब कोई एक ऐसा जॉइंट नहीं दिख रहा है, फूड जॉइंट जहाँ पे गर्दी ना हो। और जैसे जैसे रोज़े आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ क्राउड बढ़ता जाएगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ खाली भी है। और मेरी जो फेवरेट चीज़ है इधर वो है फिरनी, तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ फिरनी वाली दुकानों के पास। किसे बचना है तो कोई भी आपकी पब्लिक भलाई कर सकता है इधर। अगर गलती से किसी को धक्का लग गया तो आपकी धुलाई भी हो सकती है। इसके लिए अगर आप लोग इधर आ रहे हो तो थोड़ा अपने आप को संभाल कर चलना है। क्या है? चिकन तंदूरी, हाँ बोलो। और चिकन फिश, और इधर देख के बोलो यार। अरे भाई सब इनके पास भेजा गुड़दा कलेजी, और अगर कुछ ख़त्म हो गया तो आपकी कलेजी निकाल के बेच देंगे। माशाल्लाह क्यूजिंग टेक अवे। क्या है खाने में? हाँ, और स्पेशल में नल्ली निहारी। बड़े का है छोटे का है? बकरे का भाई, छोटे का। देखो गाइस ये यहाँ पे मीठी सब मीठा सामान मिलेगा आपको। ये जगह ज़बरदस्त है, दाम जिनको मीठा पसंद है वो लोग इधर आ सकते हैं। एक महीने के लिए खाली चला, एक महीने के लिए ही है, 30 तारीख तक, उसके बाद ख़त्म। मॉडर्न काफ़ी फेमस है तो ट्राई करते हैं मॉडर्न की। फिरनी कितने की है? एक भी कितना डालू गाइस? ये है जबरदस्त फिरनी, एक भी कितना। और मालपुआ भी बन रहा है उधर मॉडर्न। फिरनी कितने की है? चार। ओ भैया फिरनी कितने की है? 45 का है। वो उधर 90 लिया तो ये जोड़ी चाहिए। 45 की फिरनी है इधर। एक मुझे दे दो पार्सल।
पार्सल ले लूँगा, यहाँ पे गर्दी बहुत है तो इधर मैं नहीं खाऊंगा। भैया एक फिरने दो ना पार्सल। हाँ अंदर जाना पड़ेगा। एक फिर दे दो खाने का पार्सल। पार्सल पार्सल वेट वाली की केसर। हाँ केसर चाहिए, 50 का है 45 का। केसर दे दो, केसर केसर फिर नहीं खाएंगे लेकिन बाद में। आप लोग देख सकते हो ये मेरा पार्सल मुझे मिल गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हर किसी को शौक होता है यहाँ पर आके वीडियोस बनाने का। और तंदूरी चिकन तंदूरी सुलेमान उस्मान मिठाई वाला। और मेरे सामने जमलम स्वीट शॉप है। हर जगह पे गर्दी है, मतलब ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पे खाली हो। फालूदा कुल्फी फालूदा यहाँ पे आ रहे हो दोस्तों तो अपने पर्स वर्स का भी थोड़ा सा ख्याल रखना, नहीं तो चिड़िया उड़ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये है ईद के लिए सेवई जो बनती है वो सब है। अभी पहले वाला क्लिप मेरा ऑफ हो गया था क्योंकि कैमरा काफ़ी ज़्यादा हॉट हो गया था। और ये देखिए ये सब यहाँ पे आके आप शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए यार ये बार बार मेरा कैमरा हीट की हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है और क्लिप ऑटोमेटिकली कैमरा ऑफ हो जा रहा है। देखिए खाने की चीज़ें इधर ताज़ा ताज़ा माल हुआ। प्रॉब्लम ये है कि आप GoPro जब लेके घूमते हो इस तरीके से स्टैंड स्टैंड के साथ तो सारे लोगों की नज़र आपके पास ही हो। दोस्तों मैंने जो मेन खाओगे ली थी वो आप लोगों को दिखा दिया हूँ और चूँकि बार बार मेरा कैमरा ऑफ हो रहा है तो इस वजह से मैं क्लिप अब इसको एंड करूँगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो ये। और जितने नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों मैं इस वीडियो को भी ख़त्म करने वाला हूँ। ये है हमारे मुंबई का बहुत ही प्यारा नज़ारा। सब ईद की शॉपिंग के लिए आते हैं और बहुत से लोग सिर्फ खाने के लिए आते हैं। रमज़ान के बाद कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं। गाइस वीडियो को ख़त्म करता हूँ मैं और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नई जगह पर। एक बार दर्शन करा देता हूँ थोड़ा चेहरे का मेरा। मुंबई में साउथ मुंबई में मैं हूँ भिंडी बाज़ार और मज़ा आ गया एकदम। थोड़ा चेहरा छुपा लेता हूँ।